अस्सलाम वालेकुम, माय राजा खान, वेलकम टू माय चैनल बी हैंडसम। जी हाँ, बी हैंडसम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं बहुत परेशान था, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआ से हमें मुझे उस परेशानी से थोड़ी राहत मिली है। आगे भी इस तरह से अपनी दुआ बनाए रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और हमारी वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स भेजते रहिए। ना भी भेजे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। ओके दोस्तों, तो आज का जो मुद्दा है मैं शुरू करता हूँ शादी का। शादी एक ऐसा अहम फैसला है जिंदगी का उस लड़के और लड़की के लिए कि वो जब ये रिश्ता अपनाते हैं तो उनकी जिंदगी में जो भी ऊंच नीच होती है वो दोनों आपस में ही राय मशवरा करके हल करते हैं। आजू बाजू पड़ोसन और दोस्त अहबाब सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में ज़्यादातर छानबीन करें, लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, सभी को मैं कह रहा हूँ कि शादी का जो अहम फैसला लेते हैं उनसे ज़्यादातर छानबीन किया करें, लड़की वाले की तरफ से भी या लड़के वाले की तरफ से छानबीन खुद से करें, ना ही कि किसी के कहने में आए। और अगर आप कहने में आते हैं तो आजू बाजू जो हैं उनसे पूछ पाछ करिए कि लड़के वाले कैसे हैं, लड़की वाले कैसे हैं, लड़की वाले का माँ बाप कैसे हैं, लड़के वाले के माँ बाप कैसे हैं, ताकि हकीकत आपके सामने आए। और उस पड़ोसन और दोस्त से भी मैं कहना चाहता हूँ जो ये सच छुपाते हैं चंद प्लेट खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चंद प्लेट खाने के लिए वो ये सच छुपाते हैं कि मैं इसके सामने उसका सच बोलूंगा तो कल वो मेरे से झगड़ेगा और शादी में दावत नहीं देगा। ऐसा भी होता है, ये हिंदुस्तान है दोस्तों, इंडिया, इसी का नाम है हिंदुस्तान। जी हाँ, तो ऐसा ना होने पाए, क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है, आप भी जानते हैं। तो प्लीज सच जाने और सच का सामना करें। सच बोलने में आपका एक रुपया नहीं लगेगा और ना ही कोई उधार होएगा। इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ कि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। अपना ध्यान रखें, आजू बाजू वाले का भी ध्यान रखें। बाय बाय।